आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक अनुष्ठान के साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भगवान शिव जी के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों की लंबी लंबी कतारें दूर तक लगी हुई थी। बुजुर्ग बच्चे महिलाओं सहित सभी युवाओं के चेहरों में भगवान के प्रति आस्था का उत्साह साफ नजर आ रहा था। जहाँ महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर स्थानीय समुदाय से भगवान शिव पार्वती जी की बारात निकली, जहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण बाराती के रूप में नाचते एवं जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वही भगवान शिव पार्वती जी की बारात शहर के मुख्य मार्गों से होकर स्थानीय सागरेश्वर धाम पहुंची, जहां बारात का स्वागत धूमधाम से किया गया एवं मंदिर परिसर में भगवान शिव पार्वती जी का विवाह के दौरान जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भगवान शिव पार्वती पर पुष्प वर्षा करने लगे। वहीं शिव मंदिर में बारातियों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया, जहां आयोजित महाशिवरात्रि पर्व के दौरान जिले के संबंधित अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधिगण एवं जिले के सभी लोगों ने महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। पेश उमरिया से संगत सिंह की खास रिपोर्ट। भवन से शक्रा मंदिर की ओर हमारी भोलेनाथ बाबा की बारात चलेगी निकलेगी और गई है, और सुबह से भंडारा का कार्यक्रम चला है और सभी भक्तगण भोजन प्रसाद लिए हैं और अच्छे भव्य कार्यक्रम के रूप में हम सब मिलकर भक्तगण मना रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने उमरिया जिला को ऐसे गांव-गांव में नगर नगर में प्रवेश कर सके कि हमारा भोलेनाथ पार्वती की बारात इस तरह निकाली जाएगी, जिस तरह हम ऐसे एक भव्य कार्यक्रम को संपन्न कर सके। महाशिवरात्रि का महान पर्व है, ये ब्रह्मांड का ऐसा विवाह है जिसमें बाराती हर वर्ग के लोग रहते हैं, इसमें हर समाज के लोग बाराती रहते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है बाराती। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर ये सामुदायिक भवन उमरिया से शिव विवाह का आयोजन किया गया, जिसका गांधी चौक में वैश्य महासम्मेलन द्वारा भव्य भंडारा और बारात का स्वागत अगवानी हमारी महिला मंडल द्वारा भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की गई एवं विशाल भंडारे का आयोजन वैश्य महासम्मेलन हर वर्ष करता है, उसी के तारतम्य इस वर्ष भी हम लोग बड़ा से बड़ा भंडारा उमरिया के सामुदायिक भवन में भगवान भोलेनाथ की रात निकाली गई। इसमें उमरिया नगर के आम जनमानस नागरिक बंधु सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इस उत्साह में हमारे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों के साथ अपनी साज सज्जा करके बरातियों के साथ बराती बनकर आ रहे हैं, जिसके स्वागत में हम हृदय स्थल गांधी चौक में बरात कर रहे हैं, जिसका हम रहे हैं और विभिन्न स्थानों में गांधी चौराहे में वैश्य समाज के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अभी और भी कई सारे चौराहे जो मिले जहाँ विभिन्न स्थानों पे भंडारा आज जो है महाशिवरात्रि पर्व है। सवेरे से यहाँ सागरेश्वर नाथ मंदिर में 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है, बिल्कुल भीड़ बनी हुई है, भंडारा हुआ, बारात निकाली गई समुदाय भवन से नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए गांधी चौराहा जयस्तंभ स्टेशन चौराहा से बारात जो है सागरेश्वर नाथ मंदिर आ रही है, जहाँ शंकर पार्वती जी की पूजा होगी एवं जयमाला होगा और आरती होगी और रात जागरण जो है हो गया। आज महाशिवरात्रि जो है रात जागरण 4 बार आरती होगी, सवेरे जो है इसका आरती का समापन होके जो है हवन भंडारा किया जाएगा और शंकर नाथ भगवान की हम आपको जय श्री राम जय हनुमान एकल प्रणाम। आज
परम सौभाग्य महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर समुदाय भवन से शिव जी का बारात निकाली जा रही है की झांकी और शहर में अन्य अन्य जगह भंडारे का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समुदाय भवन से निकल करके हमारे जिसमें अंचल उमरिया से एकल अभियान के कार्यकर्ता भी इस बारात में सम्मिलित हुए और शिव जी का बारात समुदाय भवन से लेकर के और सगरा मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के बारात की झांकी आज बड़े धूमधाम से भव्य रूप में समुदाय भवन उमरिया से निकाली गई और सगरा मंदिर में संगीतमय भोलेनाथ माता पार्वती की आरती हुई। इस कार्यक्रम में अपने उमरिया नगर के गणमान्य नागरिक बराती के रूप में भगवान भोलेनाथ के गणक के रूप में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सगरा मंदिर उमरिया में जयमाला कार्यक्रम और विशाल भंडारा प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम रखा गया और श्रद्धालुओं की लगातार सुबह से लेकर के और शाम तक प्रसाद वितरण भंडारा होता रहा। यह परंपरा विगत कई वर्षों से पूरे विश्व में जो है महाशिवरात्रि फेमस है, खासकर इंडिया में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। प्रत्येक हिंदूवासी जो है इस दिन तरह तरह के जो है कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं। हमारा ये कार्यक्रम चल समारोह चल चुका है और समापन सगरा मंदिर में होगा और हर वर्ष की बात है जिले के कलेक्टर एवं यहाँ की पुलिस अधीक्षिका के द्वारा माँ पार्वती और शिव जी का जो है आरती पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न कराते हैं और यही परंपरा इस बार भी होना है। शाम को सायं 7 बजे ये आरती का कार्यक्रम कलेक्टर के द्वारा होगा और ये चल समारोह जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें हर धर्म के लोग जगह जगह स्वागत करते हैं। हर प्रकार से जो है हर चौराहे में हर धर्म के वैश्य समाज हो चाहे आपका जो है तेली समाज हो या ब्राह्मण समाज, सभी वर्गों के लोग इनको स्वागत करते हैं और धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है। मैं आज के दिन उमरिया शहरवासियों के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत